आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने फॉर्म में वापसी की है और अब वह पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। एक तरफ सीएसके के फैंस अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके कप्तान यानी महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो फैंस की धड़कने बढ़ा रहे हैं। पिछले दो मैच में धोनी ने अपनी विदाई की बात की है, जिसके बाद से ही फैंस काफी टेंशन में दिख रहे हैं। क्या ये धोनी का आखिरी आईपीएल होने जा रहा है, इस पर पूरी अपडेट जानिए। 41 साल के एमएस धोनी एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में टीम ने 4 बार खिताब जीता है और अब 5वें खिताब की तैयारी है। पहले ही माना जा रहा था कि ये धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है, लेकिन फैंस को उम्मीद थी कि उनके थला अभी और भी खेल सकते हैं। लेकिन पिछले दो मैच में धोनी ने जो कहा है, उससे फैंस में हलचल बढ़ी है। पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के बाद धोनी ने कहा कि ये उनके करियर का आखिरी फेज चल रहा है, ऐसे में वह हर पल का लुत्फ उठाना चाहते हैं। धोनी के इस बयान ने हर किसी का दिल तोड़ दिया। इसके बाद हाल ही में जब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन में मैच हुआ, तब होम ग्राउंड ना होने के बाद भी अधिकतर फैंस सीएसके का सपोर्ट कर रहे थे। मैच के बाद धोनी ने फैंस का शुक्रिया किया और कहा कि शायद फैंस मुझे इतनी बड़ी संख्या में फेयरवेल देने आए हैं। लगातार दो मैच में दो बयान से एमएस धोनी ने संकेत दिए हैं कि वह अब संन्यास के बारे में सोच रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या यह माही का आखिरी आईपीएल साबित होता है या नहीं। एमएस धोनी ने इस आईपीएल में काफी कम बल्लेबाजी की है, हालांकि कुछ मौकों पर उन्होंने अंतिम ओवर्स में आकर लंबे लंबे छक्के जरूर लगाए हैं। धोनी अब तक जिस भी स्टेडियम में खेले हैं, वहां बड़ी संख्या में फैंस उनका अभिवादन करने पहुंचे हैं। अब हर किसी को धोनी के आखिरी फैसले का इंतजार है। आईपीएल 2023 से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप आज तक AI के साथ बने रहिए।